गुरु जी की सारी संगत को अनुराधा आंटी की ओर से प्यार भरी नमस्ते, जय माता दी, जय गुरु जी। और इस कड़कती धूप में ही संगत जी, मैं आज जा रही हूँ तालाब तिलोले नंबर 9 में, जहाँ गुरु जी महाराज जी के बड़े प्यारे दर्शन हो रहे हैं संगत जी। और बिल्कुल सरप्राइज कर दिया इस फैमिली ने मुझे, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था वहाँ सत्संग है। और जैसे ही मैं वहाँ गई हूँ तो गुरु जी ने सत्संग सेवा करवा दी। आज भी संगत जी और गुरु जी के बड़े प्यारे प्यारे दर्शन है। तो इस कड़कती धूप में भी मुझे कोई भी मलाल नहीं होता जब गुरु जी महाराज जी की बात हो संगत जी, क्योंकि हिम्मत भी हमारे प्यारे गुरु जी महाराज जी हमें। जय गुरु जी। और गुरु जी आज फिर से ले आए हैं मुझे लेन नंबर 9 पे, और लेन नंबर 9 में मेरी रहती है प्यारी दादी, मेरी प्यारी दादी। जय गुरु दादी। संगत जी, जब भी लेन नंबर 9 में किसी के घर में भी सत्संग होता ना, और किसी को इंतजार हो ना हो, मेरी दादी को मेरा इंतजार जरूर रहता है। दादी हमेशा कहती है अनुराधा आएगी पहले मेरे पास मिलने आएगी। तो आज दादी बड़ी खुश है क्योंकि गुरुजी महाराज की बहुत सारी संगत जी ब्लेसिंग इनके घर में हो रही है। सोई नहीं रहती, तो रात को सोई नहीं है दादी। और दादी कब दूरी हो दर्शन कल के? मैं कह रही हूँ कल भी ना, मुझे कोई कह रहा था लुधियाना की संगत ही कि आपके जम्मू में बड़ी ब्लेसिंग हो रही है। मैंने कहा पहले ही ये देवियों का शहर था, गुरु जी का शहर भी बन गया जम्मू। गुरु जी और माता रानी दोनों की बहुत सारी ब्लेसिंग है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तुम्हारी दादी बहुत ही खुश है, और दादी बीमार भी थी बड़े दिन पहले, अब हमारी दादी ठीक हो गई है ना, गुरु जी का आशीर्वाद। अच्छा, आपका डॉक्टर आ गया घर पे? दीदी सत्संग नहीं था हमारे घर? हाँ हाँ। तो उस 4 दिन बाद नहीं, तो फिर टुकड़ी गया। तो संगत जी अभी हम गुरु जी के सत्संग की तैयारी करेंगे, सत्संग होएगा गुरु जी महाराज जी का। और अचानक से सत्संग की प्लानिंग बन गई है गुरु जी के आशीर्वाद से। पहले बताते ना, मैं सभी को लेके आती हूँ। सही बात है, अचानक से आपने तैयारी बना दी। हमारे गुरु जी सोचने का मौका ही नहीं दिया। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय। प्यारी संगत जी, लेन नंबर 9 में हो रही है गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग इस घर में। पिछले 2-3 दिनों से यहाँ हो रही है अमृत वर्षा, और संगत जी अलग अलग तरह के दर्शन हो रहे हैं। और आंटी जी का सुबह ही मुझे कॉल आई है कि अनुराधा आंटी प्लीज़ आओ दर्शन करने के लिए, और यहाँ गुरु जी बड़े ही प्यारे दर्शन दे रहे हैं। और जब ऐसी बात होती है तो आपकी अनुराधा आंटी बिल्कुल भी नहीं रुकती गुरु जी के दर्शनों के लिए संगत जी, क्योंकि यही तो सेवा है जो गुरु जी मुझसे लेते हैं, और मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। और अगर संगत जी मुझे पता होता कि इस तरह से कोई सत्संग होना है तो मैं अपनी सारी गुरु बहनों को भी लेकर आती, लेकिन हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। और काफ़ी दिनों से हमने खुद ही मना किया था कि कुछ दिन के लिए सत्संग सेवा नहीं हम करेंगे, क्योंकि मेरे को भी अपने पर्सनल मायके वाली साइड में बहुत सारे काम थे, और साथ ही में जो बाकी गुरु संगते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ इन गर्मियों की छुट्टियों में घूमने गई हैं। और संगत जी, गुरु जी आप ही कहते हैं कि सबसे पहले परिवार, तो परिवार के साथ भी समय बिताना बहुत ज़रूरी है संगत जी। तो गद्दी पर देखिए बहुत ही प्यारे उनके दर्शन है, और गुरु जी के दर्शन ये पाके मैं हमेशा हमेशा आपको बताऊँ मैं धन्य हो जाती हूँ। और जब ये दर्शन मैं आपसे शेयर करती हूँ तो मुझे बेहद खुशी मिलती है संगत जी। और संगत जी मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जम्मू दी आंटी अनुराधा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रोज़ गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स आपके साथ में साझा कर सकूँ। तो संगत जी इन वीडियोज़ को आगे भी शेयर किया करें आप, क्योंकि गुरु जी बहुत खुश होते हैं जब ये दर्शन हम औरों की ओर भी पहुँचाते हैं ना। तो ये देखिए आपको गद्दी पे ओम के दर्शन हो रहे हैं, मुझे तो वही हो रहे हैं संगत जी। तो
गुरु जी के हुक्म के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। शायद आज गुरु जी महाराज ये सत्संग सेवा कराना चाहते थे, क्योंकि गुरु जी जानते थे पिछले 5-6 दिनों से मैं बड़ी मस्ती कर रही हूँ, बिल्कुल भी सत्संग मैंने कोई अटेंड नहीं किया। तो गुरु जी ने देखो पहले से ही मेरा प्लान कर रखा था कि तू जैसे ही जम्मू आएगी तो सत्संग की सेवा करेगी। जय गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। आप हर पल जो ये अपने चरणों में हमें रखते हो, और हमेशा हमें अपने चरणों में ही रखना दाता, कभी हमें इन चरणों से दूर मत कर। प्यारी संगत जी, हमेशा की तरह आज भी गुरुजी महाराज ने बड़े ही प्यारे दर्शन दिए। अमृत वर्षा तो कई दिनों से हो ही रही है, और पूरा स्वरूप इनका अंदर से आधा भीगा हुआ है, और उसमें से जल की बूंदें भी संगत जी आ रही हैं। तो नीचे उन्होंने परिवार वालों ने प्लेट लगा दी है जिसमें जल इकट्ठा हो रहा है। तो संगत जी, गुरु जी के स्वरूप में भी हाथों में पूरे जो गुरु जी ने गाल पर हाथ रखा हुआ उस पर पूरी बेन सुबर के आ गई हैं, और साथ ही में गुरु जी की जो गद्दी है संगत जी उस पर भी इतना बड़ा ओम बन गया है। अगर आपको भी ओम के दर्शन हो रहे हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि आपको दर्शन हो रहे हैं संगत जी। तो गुरु जी महाराज की ये ब्लेसिंग घर घर में हो रही है। और संगत जी, मैं कल ही किसी से बात कर रही थी तो मुझे इतनी हंसी आई, वो बोलते कि भाई अब जम्मू खाली। जय गुरु जी, और इस पे भी ये चंदन गिरा हुआ है स्वरूप पे। ये चंदन के टिक्के किसने लिया लगाए गए? ये पहले घर में लगाए हुए हैं ना? नहीं, ये जो आया हुआ है चुन्नियों पे, ये देखो ना, ये आया हुआ है। हाँ, ये घर में लगाया हुआ है ना। अच्छा अच्छा, जय गुरु जी। राम दरबार में भी सुबह, अच्छा यहाँ भी है। हाँ, सुबह पूरा भरा हुआ था राम दरबार। ये देखो ना ओम, कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं उनके। और मेरे अंकल के माथे में भी, आज मैं अंकल को भी कैप्चर करूंगी, ये कैप्चर नहीं होते हैं। इनके माथे पे भी पूरा ओम संगत जी बना, ये देखो। जय गुरु जी, त्रिनेत्र बनाई उड़े गुरु जी ने तुंदे च। जय गुरु जी, तो गुरु जी की ब्लेसिंग है ये संगत जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, ये आज का सत्संग है जो कि आप आगे शेयर कर देना बाकी की संगत को। और संगत जी, आप जानते हैं जब पहले अमृत वर्षा की मैं बातें करती थी तो सब लोग उसे झूठ बोलते थे, क्योंकि संगत जी उनकी भी गलती नहीं थी, उन्होंने आंखों से, खुली आंखों से ये नज़ारा नहीं देखा था। और मैं कहीं ना कहीं हताश होती थी, रोती थी और बोलती थी कि क्या गुरु जी ये सब झूठ है जो आप मुझे दिखा रहे हो। और जब संगतें, जब कुछ लोग ऐसा बोलते थे तो मैं बहुत ही दुखी होती थी। लेकिन संगत जी, गुरु जी का हमेशा से एक ही मैसेज आता था, तू किसी ने कुछ नहीं बोलना, तेरे सारे सवालों का जवाब मैं देवांगा, तू खुशियां मनाने की तैयारी कर। और संगत जी, वाकई आज वो दिन आ गया है। संगतें अपने मुंह से बताती हैं कि हमारे घर में अमृत वर्षा हुई, जब उनकी आंखों के सामने ये खुले दर्शन होते हैं तो वो दिल खोल कर जब बताती हैं तो कहीं ना कहीं मेरी जीत मुमकिन हो जाती है। और इस घर में भी परिवार ने भी अपनी खुशी जताई है कि उन्होंने अपनी खुली आंखों से ये दर्शन देखे हैं। तो संगत जी, ये सब होता है, अमृत वर्षा, शहद वर्षा। लेकिन हाँ, मैं सच्ची बताऊं तो ये सब गुरुजी इसलिए करते हैं कि वो हमें अजमाते हैं कि हम क्या करते हैं, किस रूप में उनको मानते हैं, मनाते हैं, और किस रूप में उनको आगे लेकर जाते हैं। तो संगत जी, ये सब परीक्षाएं हैं, खुश होइए गुरुजी के दर्शन पाकर, लेकिन इस परीक्षा में सफल भी होइए। और संगत जी, आज जब रिपोर्टर भी उनके घरों में आकर ये खबर डालते हैं फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे कि अमृत वर्षा हो रही है, तो मेरी खुशी का ठिकाना संगत जी बिल्कुल भी नहीं रहता। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब साल पहले हमारे घर हुआ था 2 दिसंबर को, तब भी अमृत वर्षा हुई थी।
वो सत्संग वो अनुराधा और आए थे ना करने, तब भी अमृत वर्षा हुई थी। उन्होंने हमें बताया था कि आंटी आपके घर अमृत, तब हमें इतना था ही नहीं क्या अमृत वर्षा क्या होती है क्या नहीं होती, हमें नहीं था मालूम। अब तो हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, हम भी वीडियो देखते थे सुनते थे ऐसे होता है ऐसे, बच्चे कहाँ बिलीव करते हैं आजकल। ये वहाँ था, बोलता मम्मा मेरे ऊपर बारिश पड़ रही है, मैंने कहा ये देखो इधर, चलो इधर तो हम मानते हैं कुछ होगा, वहाँ दरवाजे के पास मम्मा उधर एसी की पड़ रही है, मैंने कहा एसी कहाँ इधर। हाँ पूरा तालाब तिलो सुहागेशाली की घर घर में गुरुजी आ रहे हैं, पहले भी एक घर में गुरुजी के चरण लगे, अब इनके अमृत वर्षा। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो गुरुजी हमारे पर मेहर कर रहे हैं, और जो जो मान रहे हैं ना वो तो मान रहे हैं, लेकिन जो नहीं मान रहे हैं गुरुजी भी उनका उनका विश्वास बना रहे हैं, इसलिए गुरुजी घर घर आ रहे हैं। जय जय गुरुजी। हाँ यंगस्टर्स के लिए तो यही मैसेज है कि इंसान को मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कुछ भी नहीं है, और जितने भी आप बड़े से बड़े लोग देख लेंगे, आप अंबानीज को देख लो, जितने मतलब स्पिरिचुअलिटी उनमें कूट कूट के भरी हुई है, तो यंगस्टर्स के लिए ये नहीं है। हाँ अंधविश्वास की ओर भी नहीं जाना चाहिए, वो भी नहीं है कि आप ऐसे ही चीज़ों में बिलीव करो, बट हाँ जिसमें आपको लगता है कि आप बिलीव कर सकते हो उसमें आपको बिलीव करना चाहिए।